हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सब लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और पीसीआई का एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर के आप लोगों के सामने आ गए हैं, जहां पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ लेटेस्ट अपडेट लॉन्च किए हैं। तो क्या है वो अपडेट्स, प्लस क्या वो फार्मेसी स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, जो फार्मेसी कर रहे हैं उनके लिए, या फिर जो फार्मेसी कर चुके हैं उनके लिए, या फिर जिनको फार्मेसी के काफी टाइम हो गया है या उनके लिए ये नोटिस है, तो किसके लिए क्या नोटिस रहने वाला है, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो है एवरीवन, मेरा नाम है पुनित राजपूत, आप लोग प्यार से पुनित सर पुनित भैया बुलाते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। बीएसपी फार्मेसी में फार्मा रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बीएसपी फार्मेसी का खुद का मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर एक चीज की प्रिपरेशन हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर कराई जाती है। अब देखिए, अगर जो मैं यहाँ पर बात करूं तो ये 18 अक्टूबर का ये नोटिस है, जो कि 19 अक्टूबर को पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिला। जहां पर अगर जो मैं बात करता हूं तो यहाँ पर देखिए किस किस के रिगार्डिंग ये नोटिस भेजा गया है। देखिए, ऑल फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स के रिगार्डिंग, ऑल स्टूडेंट परस्यूरिंग फार्मेसी कोर्स, जो फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं, ऑल फार्मासिस्ट, है ना, जितने भी फार्मासिस्ट बन चुके हैं, ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जैसे यूपी स्टेट, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, ऐसे अलग अलग स्टेट की खुद की फार्मेसी काउंसिल होती है, तो उनके लिए नोटिस है। और ऑल पीसीआई स्टेक होल्डर्स, जितने भी पीसीआई के स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबके लिए यहाँ पर ये चीज बोली गई है। तो यानी कि आप फार्मेसी कर रहे हो, कर चुके हो, या काफी टाइम हो गया है, आपका कोई इंस्टीट्यूट है, हर किसी के लिए ये नोटिस रहने वाला है। अब अगर जो मैं बात करता हूँ इस नोटिस के सब्जेक्ट के बारे में, तो इस नोटिस का सब्जेक्ट साफ तौर पर क्या है, टू ऑप्ट फॉर ई लर्निंग कोर्स ऑन रिटेशनल यूज ऑफ मेडिसिन इन इंडिया जॉइंटली डेवलप्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। हमारा क्या पीसीआई के द्वारा, किसके साथ में बेटा जी, हमारा THSTI, यानी कि क्या है हमारा बेटा जी, ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, और WHO इंडिया कंट्री ऑफिस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिया के अंदर जो ऑफिस है, इन सब के द्वारा कंबाइंडली ये नोटिस लॉन्च किया गया है। अब ये नोटिस में है क्या, बेसिकली क्या है कि जो हमारा क्या है, विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सिटेड अबाउट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज प्लेस टू इन्फॉर्म दैट द काउंसिल हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन कोर्स ऑन रोटेशनल यूज ऑफ मेडिसिन फॉर फार्मासिस्ट इन कोलैबोरेशन विद बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, क्या है, इनोवेशन काउंसिल BRIC, है ना, हमारा क्या है ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इंडिया कंट्री ऑफिस, इन सब ने मिलकर के क्या है, एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है। देखिए, अब पीसीआई भी ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रहा है, जो कि बीएससी फार्मेसी ने तो पहले से लॉन्च किए हुए हैं। तो पीसीआई ने एक ऑनलाइन लर्निंग काउंसिल को, पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, उन्होंने क्या किया बेटा जी, एक ऑनलाइन लर्निंग, है ना, लॉन्च्ड एन ऑनलाइन कोर्स, किसके ऊपर उन्होंने कोर्स लॉन्च किया बेटा जी, हमारा रोटेशनल यूज ऑफ मेडिसिंस, कि मेडिसिंस के यूज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एक फार्मासिस्ट के लिए ये सारी के सारी चीजें इस कोर्स के अंदर बताई जाएंगी। अगर जो इस कोर्स के बारे में बात की जाए, तो द कोर्स हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 30 अप्रैल 2024 एट LMS पोर्टल ऑफ THSTI थ्रू ऑनलाइन मोड एंड मोबाइल ऐप। जो ये कोर्स है बेटा जी, क्या है, 30 अप्रैल 2024 को लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर ज्ञान भी आ जाएंगे कि 30 अप्रैल तो जा चुकी है, तो मैं बता देता हूँ कि लॉन्च किया गया था, ठीक है, 30 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा जो लिंक है LMS जो हमारा क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो लिंक यहाँ पर पीसीआई ने पेश किया हुआ है, लिंक पर क्लिक नहीं होता है, कोई बात नहीं, आप लोग इसको टाइप करके ऐसे कैसे गूगल पर टाइप करोगे तो वो आ जाएगा। अभी आगे प्रोसेस भी बताई हुई है, इन्होंने यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन भी एंड्रॉइड एप्पल यूजर के लिए और एंड्रॉइड यूजर के लिए दोनों के लिए स्कैनर दिए हुए हैं, आप इनको स्कैन करके क्या है मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर इन्होंने इसमें प्रोसेस बताई हुई है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओपन द LMS ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोगों को क्या करनी है, LMS की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। क्लिक ऑन द रजिस्टर टैब इन द लेफ्ट अपर कॉर्नर, लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में एक रजिस्टर का ऑप्शन दिया होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आफ्टर क्लिकिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल अपेयर ऑन द स्क्रीन, प्लीज फिल ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म। जब आपको आपका है रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर के आएगा, उस फॉर्म में आपकी जो भी डिटेल्स पूछी जाए वो सभी के सभी आपको फॉर्म के अंदर फिल कर देनी है। After the successful verification by the Pharmacy Council of India, user can enroll for the क्या है रोटेशनल यूज ऑफ द मेडिसिंस कोर्स ऑन LMS। क्या है कि जब आप रजिस्टर कर दोगे उसके बाद में क्या होगा, सक्सेसफुली वेरिफिकेशन किसके द्वारा होगा, आपका PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा होगा, जिसके बाद में आप क्या है अपना रोटेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कोर्स ऑन LMS के साथ में आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पर आगे बात करें,
द यूजर हैव टू कंप्लीट ऑल द मॉड्यूल्स स्टेप बाय स्टेप ऑफ रोटेशनल यूज ऑफ द मेडिसिंस टू कंप्लीट द कोर्स, जो भी हमारे वहां पर टाइम ड्यूरेशन रहेगा, जो भी सारी चीजें रहेंगी, क्योंकि उसके लिए क्या है कि कोई फर्दर नोटिस आया हुआ है तो वो हम लोग किसी फर्दर वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग इसमें भी ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। After completion of the course, the user must attempt the exit assignment. क्या है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक एग्जिट असाइनमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा, और जब आप अपना एग्जिट असाइनमेंट का अटेम्प्ट कर लोगे वो भी पूरा हो जाएगा आपका। After qualifying the exit assignment, क्या है, participant will be awarded with a certificate. तो आपको क्या मिल जाएगा, ये किसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ, देखिए पीसीआई भी चीजें अब धीरे धीरे ऑनलाइन करने लगा है, एंड आफ्टर सम टाइम हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो भी जाए, तो इसी वजह से हम लोग भी आपको ऑनलाइन मोड पर ही डेली बेसिस पर, जैसे कोर्स डिजाइन किया गया है इसमें क्लासेस होंगी, सारी चीजें होंगी, हम लोग भी आप लोगों को बीएसपी फार्मेसी ऐप पर क्लासेस और सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग जल्दी से जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से जाकर के अपनी ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर दीजिए। अभी इस कोर्स का कोई प्राइस टैग है या कैसे है, वो कोई भी अगर जो फर्दर कोई भी अपडेट आता है और कैसे स्टेप बाय स्टेप इसके लिए अप्लाई करना है, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो आप उस चीज को लेकर के परेशान ना हो। ये कोर्स को आप लोग क्या इस तरीके के कोर्स का वेट कर रहे थे, एग्जैक्टली ये क्या कोर्स है इसको हम लोग आपको बता पाएंगे कब, जब हम इसके ऊपर क्या है कम्प्लीटली रिसर्च कर लेंगे कि ये कोर्स किस प्रोस्पेक्टस से बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है ना, क्या रीजन है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को जरूर बताएंगे विद इन 1 to 2 days के अंदर ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार। और अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि कि आपको ये पीडीएफ तो वहां पर हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, पर बेटा जी इसके जो लिंक से है, जो आप लिंक जहां पर ओपन नहीं हो रहा है, वो लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जल्दी से जाइए, बीएसपी फार्मेसी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।